हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQs देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर असम गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में असम पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज बिलीव्ड टू हैव रिटेन द पंचतंत्र स्टोरीज। पंचतंत्र स्टोरीज किन के द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र स्टोरीज, ये जो स्टोरी से ये लिखा गया है आपका विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे, देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड स्टेट का एक फेमस फेस्टिवल है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल नागालैंड स्टेट का कौन सा प्लेस में सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड स्टेट का किसामा बोल के एक प्लेस है। इस किसामा प्लेस में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए, व्हिच आर्टिस्ट मेड द फेमस पेंटिंग गुर्निका इन 1937। 1937 में एक पेंटिंग फेमस हुआ था, उस पेंटिंग का नाम है आपका गुर्निका। तो इस गुर्निका पेंटिंग का आर्टिस्ट का नाम क्या है? तो इस गुर्निका पेंटिंग का आर्टिस्ट का नाम है आपका पाब्लो पिकासो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए, लाई हरोबा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। लाई हरोबा ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये कौन सा स्टेट का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है? तो लाई हरोबा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्टरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्टरी ये कहाँ पर पड़ता है? सो फ्रेंड्स, इंडिया में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्टरी ये जो है, ये पड़ता है आपका तवांग में। और तवांग कहाँ पर है? तवांग पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए, इमा कैतल इज द लार्जेस्ट। इमा कैतल ये लार्जेस्ट क्या है? अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, देखिए, फ्रेश वाटर लेक इन मणिपुर। ऑप्शन बी में बोल रहा है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ मणिपुरी मदर्स। ऑप्शन सी में बोल रहा है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ नगा मदर्स। एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है, देखिए, ऑल अमेन मार्केट इन मणिपुर। तो ये इमा कैतल जो है, ये लार्जेस्ट क्या है? तो इमा कैतल जो है, ये लार्जेस्ट ऑल अमेन मार्केट इन मणिपुर है। मणिपुर का सबसे बड़ा ऑल अमेन मार्केट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ओमेन मार्केट इन मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच इंडियन एक्टर इज आल्सो रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड इन लिटरेचर। इनमें से कौन सा इंडियन एक्टर जिन्होंने लिटरेचर में भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाया है? तो इस एक्टर का नाम है आपका गिरीश कर्नाड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे, देखिए, द चिराव डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ। चिराव डांस ये कौन सा स्टेट का डांस फॉर्म है? तो फ्रेंड्स, चिराव डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा, टेरिकोटू इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ। टेरिकोटू जो है, ये आर्ट, ये एक टाइप ऑफ आर्ट है। तो ये किस स्टेट का आर्ट है? तो टेरिकोटू इज एन आर्ट
फॉर्म ऑफ द स्टेट तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, देखिए हु रोट द बुक वी द पीपल। वी द पीपल जो बुक है इस बुक का राइटर कौन है? तो वी द पीपल जो बुक है इस बुक का राइटर है आपका नानी पलखीवाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नानी पलखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे, देखिए हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड किनको दिया गया था? तो इंग्लिश लिटरेचर में पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था आपके आपका आर के नारायण को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक ट्रेडिशन। इनमें से कौन सा आपका पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका द कॉमिक जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये आपका पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द कॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे, देखिए रिनाइसेंस इज ए एन। रिनाइसेंस ये क्या है? तो फ्रेंड्स रिनाइसेंस जो है ये किस टाइप ऑफ वर्ड है? ये इटालियन वर्ड है या स्पेनिश वर्ड है या ग्रीक वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है? तो रिनाइसेंस जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे, देखिए द रूम ऑन द रूफ वॉज रिटन बाई। द रूम ऑन द रूफ ये जो बुक है इस बुक का राइटर कौन है? सो फ्रेंड्स द रूम ऑन द रूफ वॉज रिटन बाई रुस्किन बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रुस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे, देखिए हाउ मेनी गोसास आर दे आर इन द नामा गोसा। नामा गोसा में टोटल कितने गोसास होते हैं? तो नामा गोसा में टोटल आपका 1000 गोसास होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1000। तो फ्रेंड्स यहां पर और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नामा गोसा का राइटर कौन है? तो नामा गोसा का राइटर है आपका माधव देवा। तो नामा गोसा का राइटर है आपका माधव देवा। और नामा गोसा में टोटल कितना गोसा है? नामा गोसा में टोटल 1000 गोसा आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, देखिए व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय शंकर देवा फॉर कंपोजिंग अंक्यनाथ। अंक्यनाथ को कंपोज करने के टाइम में शंकर देवा ने कौन सा लैंग्वेज को यूज्ड किया था? सो अंक्यनाथ को कंपोज करने के टाइम में शंकर देवा ने आपका ब्रजावली जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को यूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रजावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अंक्यनाथ रिटन बाय शंकर देवा। शंकर देवा के लिखा गया जो अंक्यनाथ है उस अंक्यनाथ में से पहला अंक्यनाथ कौन सा आपका लिखा गया है? तो शंकर देवा के द्वारा पहला अंक्यनाथ जो लिखा गया है इस अंक्यनाथ का नाम है आपका चिन्ह हयात्रा। तो चिन्ह हयात्रा आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चिन्ह हयात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे, देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ द एसएमएस प्रोस। एसएमएस प्रोस का फादर किन को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स एसएमएस प्रोस का फादर कहा जाता है आपका भट्टो देवा को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भट्टो देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे, देखिए व्हिच सेंचुरी विटनेस्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चारितपुती। चारितपुती का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सा सेंचुरी में हुआ था? तो चारितपुती का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका हुआ था 17th सेंचुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 17th।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं, देखिए द बुरंजी रिटेन बाय रत्नो कंदाली एंड अर्जुन दास बैरागी वास, मतलब रत्नो कंदाली और अर्जुन दास बैरागी के द्वारा जो बुरंजी लिखा गया है वो उस बुरंजी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, रत्नो कंदाली और अर्जुन दास बैरागी के द्वारा जो बुरंजी लिखा गया है उस बुरंजी का नाम है आपका त्रिपुरा बुरंजी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा बुरंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे, देखिए हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी, जोनाकी का पहला एडिटर कौन थे। तो जोनाकी का पहला एडिटर थे आपका चंद्र कुमार अग्रवाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्र कुमार अग्रवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे, देखिए द नोबेल अस्तराग इज ऑथर्ड बाई, अस्तराग जो नोबेल है इस नोबेल का ऑथर कौन है। सो अस्तराग जो नोबेल है इस नोबेल का ऑथर है आपका होमेन बोरगोहाई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, होमेन बोरगोहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि आहार एन एसएमएस ड्रामा रिटेन बाय अर्जुन शर्मा इज एन, मतलब आहार एक एसएमएस ड्रामा है और इस एसएमएस ड्रामा का राइटर कौन है, अर्जुन शर्मा। अब अर्जुन शर्मा ने ये जो एसएमएस ड्रामा लिखा है आहार, ये किस टाइप ऑफ ड्रामा है, एक सोशल ड्रामा है या हिस्टोरिकल ड्रामा है या एब्जर्ड ड्रामा है या नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स, आहार जो एसएमएस ड्रामा है जिस ड्रामा को लिखा गया है आपका अर्जुन शर्मा के द्वारा, ये जो ड्रामा है ये एक टाइप ऑफ एब्जर्ड ड्रामा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एब्जॉर्ड ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द असम बेली लिटररी अवार्ड, असम बेली लिटररी अवार्ड का पहला रिसिपिएंट कौन है। तो असम बेली लिटररी अवार्ड का पहला रिसिपिएंट है आपका भवेंद्रनाथ शइकिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भवेंद्रनाथ शइकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स फ्रॉम असम वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2018। पद्मश्री अवार्ड 2018 के बारे में यहां पर बताया गया है, मल बोल रहा है 2018 में जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है उनमें से आसाम से कौन सा राइटर्स को 2018 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सो 2018 में आसाम से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है आपका अरूप कुमार दत्तो जी को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरूप कुमार दत्तो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।